हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं एक कटोरी सूजी से आपको नाश्ता बना के दिखाऊंगी। ये सूजी है, चलिए दिखाते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो रहा है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, सूजी को हम भूनेंगे। आधा चम्मच, बड़ा चम्मच हम बेसन इसमें ऐड कर देंगे। बेसन का टेस्ट अच्छा आता है सूजी में। इसको हम भूनेंगे। पहले हमको इसे एकदम ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा भूनना है। स्लो फ्लेम पे एकदम हल्का ये भून गया है। इसे हम निकाल लेंगे एक थाली में। कढ़ाई में हम फिर थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे तड़का के लिए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/3 खड़ी धनिया, 1/4 सरसों हम डाल देंगे, 1/3 नीम पत्ती, मीठी पत्ती, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। फिर इसमें हम सूजी और बेसन ऐड करेंगे। घर में अगर कुछ ना हो तो आप ऐसे सूजी का नाश्ता बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। प्याज मैं खाती नहीं हूँ इसीलिए प्याज नहीं डालती हूँ, प्याज आप डाल सकते हैं। प्याज, लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल सकते हैं। अब हम पानी थोड़ा डालेंगे और गुनगुना पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, इसको चलाते रहें। स्लो फ्लेम पे हम रख के इसको बनाएंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से सुखा के अच्छे से सूख गया है, इसे एक थाली में हम निकाल के ठंडा होने के लिए रखेंगे 5 मिनट। इसको थाली में मैं अच्छे से सेट कर ली हूँ। इसी चाकू से मैं कट कर लूँगी, आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। इसको मैं कट कर ली हूँ, आप देख सकते हैं
और एक थाली लूंगी। इस थाली में इसे ढक के ऐसे इसको निकाल लूंगी बाहर। आप इसे किसी भी शेप, मैं ढक्कन से शेप दी हूँ वड़ा की तरह बना के, मैं ऐसे ढक्कन को रख देंगे तो शेप बन जाएगा। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप ऐसे नाश्ता बना के खिला सकते हैं। अब इसे हम हल्का फ्राई करेंगे। चलिए फ्राई करते हैं। गैस पे मैं तवा रखी हूँ। अब इस पे मैं थोड़ा तेल डालूँगी। पूरे तवे पे लगा दूंगी। कम तेल में ये बन जाता है। एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे करेंगे फ्राई, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। हल्का फ्राई से हम करेंगे, हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। इसे हम निकाल के प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी आइए सर्व कीजिए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।